आज मैं बनाने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल सेवई खीर की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। ना मावा, ना ही कोई कस्टर्ड पाउडर और ना ही कोई कंडेंस मिल्क, फिर भी ये इतना टेस्टी बन के तैयार होगा कि आप इसे बार बार बना के खाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैं एक पैन गर्म की हूँ, इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच घी, और घी के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे सेवई। तो मैं यहाँ पे 1/4 कप सेवई ली हूँ और ये बारीक वाली सेवई है। सबसे पहले हम लोग सेवई को घी के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप इसमें कोई भी सेवई ले सकते हैं, आप इसमें रोस्टेड सेवई भी ले सकते हैं, लेकिन बस उसको 1 मिनट के लिए कम से कम घी में रोस्ट कर लें। तो ये देखिए, मैं सेवई को अच्छे से रोस्ट कर ली हूँ और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको साइड कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे ली हूँ 1/2 लीटर दूध। तो मैं यहाँ पे फुल क्रीम दूध ले रही हूँ। फुल क्रीम दूध से खीर, सेवई, ये सब बहुत अच्छा बनता है। तो अब इसको इस तरह से पतीले में निकाल के गैस में चढ़ा देंगे और इसको बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए इसका उबाल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है और इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। और इसी गर्म दूध को कम से कम 1/2 कप हम लोग निकाल के रख लेंगे, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो ये देखिए, मैं इसको निकाल ली हूँ। अब इस दूध को बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। तो जब तक ये गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो जो मैंने दूध को निकाल के रखा था, उसको इस तरह से ले लेंगे और इसमें मिलाएंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इसमें बिल्कुल कंडेंस मिल्क वाला फ्लेवर आता है और बिल्कुल कंडेंस मिल्क जैसा गाढ़ापन देता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब इसको साइड करेंगे। तो ये देखिए, हमारी दूध जो है वो उबल गया है, इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने जो सेवई भून के रखा था, इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो बीच बीच में मिलाते हुए इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। तीन चार मिनट बाद इस तरह से देखेंगे कि हमारा जो सेवई है वो थोड़ा सा कुक हो गया है और मिल्क भी थोड़ा सा गाढ़ी हो गई है। अब इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। तो मैं यहाँ पे फ्रेशली कुटी हुई इलायची को डाल रही हूँ। 3 से 4 इलायची को कूट के डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेशली कुटी हुई इलायची ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें डालेंगे जो हमने मिल्क पाउडर को दूध में मिला के रखा था, उसको इस तरह से इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। 3-4 मिनट बाद देखेंगे कि हमारा जो दूध है वो अच्छे से गाढ़ी हो गई है उबल के। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। मीठा आप अपने पसंद से, जितना आपको चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। चीनी को डालने के बाद 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर इसमें डाल देंगे कटा हुआ बादाम। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच कटा हुआ बादाम डाल रही हूँ, 2 चम्मच कटा हुआ काजू डाल रही हूँ। आप अपने पसंद से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अगर आपको पिस्ता पसंद है, पिस्ता डाल सकते हैं। कुछ और पसंद है, कुछ और डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिला देंगे और 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। 2-3 मिनट बाद देखेंगे कि हमारा सेवई जो है अच्छे से पक गया है और ये रेडी है सर्व करने के लिए। सर्व करने से पहले इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम लोग सर्व करेंगे। तो इसके लिए मैं एक सर्विंग प्लेट में इसको निकाल ले रही हूँ। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी, वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेक्स्चर है। और लास्ट में इसको काजू से गार्निश करेंगे। आप इस रेसिपी को इस नवरात्रि ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी।